अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीन है, वेलकम टू एनिमेलिया डॉट पी के। मैं हूँ आपका डॉट फुरकान। बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो थी ये। बाज़ औक़ात आपकी कैट लड़ पड़ती है, आपका पेट कहीं ना कहीं से लड़ के आ जाता है, उसका पाँव दरवाजे में, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बहुत सारी कंडीशन के अंदर आपके पेट को ज़ख़म हो सकता है। तो इस दरमियान में आपने क्या करना है, कुछ आपके सवालात के जनरल जवाब दूंगा और कुछ टेक्निकली भी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप अपने घर पे इस तरह का इलाज कर सकते हैं। फ़र्स्ट एड के तौर पे भी आप ख़ुद के पेट को मैनेज कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, लोग कहते हैं कि ज़ख़म क्या है, ज़ख़म किसी भी वजह से बन सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरा, लोग कहते हैं कि हमने कौन सा एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करना है, क्या करना है। एंटीसेप्टिक पायोडीन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे और भी एंटीसेप्टिक हैं, क्लोरहेक्सिडीन है। लोग बाज़ औक़ात डिटोल, सिप्रेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब ज़ख़म होता है तो डिटोल बहुत ज़्यादा दर्द करता है भाई। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने डिटोल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा, कि कौन कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग वाउंड। आप अगर नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीलिट इस्तेमाल कर लें, अगर मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीफेक्स या माइसेट्रासिन प्लस इस्तेमाल कर लें, अगर बहुत अच्छी और जल्दी हीलिंग चाहते हैं तो आपने डर्मा जेल क्रीम इस्तेमाल करनी है। इसका स्प्रे भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने खान साहब वाला घबराना नहीं है, और आपने देखना है कि ज़ख़म किस तरह का है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, 11 है, ऊपर ऊपर की तरफ है, वो देखना है। अगर बहुत ज़्यादा गहरा है, अगर आपको लगता है आप ख़ुद से मैनेज नहीं कर सकते, फौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर लगता है कि नॉर्मल है, पहले तो आपने उसको नॉर्मल सलाइन से साफ़ करना है। नॉर्मल सलाइन ड्रिप होती है, उससे आपने साफ़ करना है, पानी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो कंटामिनेशन कर सकता है। साफ़ करके उसकी जगह के बाल काटने हैं। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं हमने सफाई तो कर दी, हमारे पेट का वाउंड हील नहीं हो रहा। पर्शियन कैट है जो वो आप स्प्रे या उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसके बाल माशाल्लाह इतने होते हैं कि वो बाल वहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो साइडों का एरिया है बालों का, वो आपने ज़रूर कट करना है। मशीन से कर लें, कैंची से कर सकते हैं तो कैंची से कर लें। उसके बाद आपने उसको एंटीसेप्टिक से अच्छे तरीके से साफ़ करके उसके बाद आपने क्रीम या स्प्रे वगैरह लगा देना है। दूसरा है कि डॉग बाइट वाउंड के अंदर क्या करना है। डॉग बाइट वाउंड के अंदर सबसे पहले तो आपने वैक्सीन करवानी है भैया। वैक्सीन नहीं करवाएंगे, खुदा ना खासा वो डॉग अगर रेबीड हुआ या उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपकी कैट भी रेबीड हो सकती है, पागल हो सकती है। दूसरा, उसको वैसे ही एहतियात करनी है जैसे मैंने बताया कि उसको इस तरीके से ही साफ़ करें, एंटीसेप्टिक लगाएं, उसके बाद क्रीम वगैरह लगाएं। इसके अलावा आपने टेम्परेचर को ज़रूर चेक करना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर तो मैनेज हो सकता है। सर्दियों में बाज़ औक़ात कैट बाहर जाती है, लड़के आती है तो उसका टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। उस दरमियान में जो हमारे जो पहली चीज़ होती है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, दूसरी चीज़ हमारा वाउंड की तरफ होता है। तो उसकी जान बचाने के लिए टेम्परेचर आपको मालूम होना चाहिए। टेम्परेचर नहीं मालूम आता करना तो नॉर्मल थर्मामीटर इस्तेमाल करें, और वीडियो देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा नीचे लिंक दे दूँ। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि पट्टी करनी चाहिए नहीं, लेकिन डिपेंड करता है भैया पट्टी कब करनी चाहिए। अगर मौसम ऐसा है, अगर आजकल के मौसम को देखें, बरसात का मौसम है, पट्टी करेंगे अंदर नमी पैदा होगी तो कीड़े भी बन सकते हैं। इस मौसम के अंदर म्यान में हमेशा वाउंड को खुला ही रखना चाहिए। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें ये होती हैं कि जब अक्सर औकात ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, जगह होती है, तो हम अक्सर औकात पट्टी कर देते हैं। पट्टी करने से क्या होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, वो वहाँ पर पलना फूलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म गहरे से गहरा होता चला जाता है। उसमें अगर कीड़े ना भी पड़े लेकिन वो ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो जाएगा और पस पड़ना शुरू हो जाती है। तो पट्टी आपने देखभाल करके करनी है, अगर नॉर्मल है तो आपने उस टाइम पट्टी करनी है। आखिर में आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊँगा। इसके अलावा मैगट से कैसे बचना है, मैगट से मैंने अभी आपको एहतियात बता दिया है। अगर आपने एरिया को अच्छी तरीके से, जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद आपने उसको हमेशा से इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से साफ़ करना है कि उस पर मक्खी ना बैठे। अगर बाहर का कोई डॉग वगैरह है या कैट है
तो आप अक्सर अवकात उसमें ढील हो सकती है क्योंकि बाहर की चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। घर के अंदर आप मक्खियों वगैरह को मैनेज कर सकते हैं क्योंकि मैगट्स के जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो ट्रांसफ़र भी मक्खियों के ज़रिए होते हैं। और ख़ास तौर पर बरसात में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर जो मैगट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मक्खियों से ज़रूर बचाना है। इसके अलावा अग्रेसिव कैट को कैसे साफ़ करना है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों के लिए सवाल होता है। बाज़ औक़ात अल्लाह जो लोग बंदे होते हैं वो स्ट्रे कैट्स को रेस्क्यू करते हैं और उनको ज़ख़म साफ़ करना नहीं आता। एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताऊँगा, सरिंज लें, 10 ml वाली, 10 ml वाली सरिंज लेके उसमें पायोडीन भरें और उसके आगे से नीडल उतार के आप उसको पंच करेंगे तो जो भी जगह होगी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आपने फ़र्स्ट एड के तौर पे साफ़ करवानी है, डॉक्टर के पास ले जाएं, उसके सफाई वगैरह करवा रहे हैं, बाद में आप इस सिरिंज के ज़रिए उसको डिसइनफेक्ट कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। नेक्स्ट आता है, क्या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने चाहिए? अगर वाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है तो ज़रूर लगवाने चाहिए क्योंकि पस वगैरह वहाँ पर बन सकती है। इसके अलावा पस से कैसे बचना है? पस से बचने के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक आती है, एंटीबायोटिक के अलावा कोई हल नहीं है। इसके अलावा पट्टी से अवॉइड करते हैं, अगर जगह बहुत बड़ी है तो पट्टी आपने नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्टिचेस लगवाने चाहिए या नहीं। अक्सर का जो कुत्ते का जो काटा हुआ होता है उसका जो मांस होता है, जो गोश्त होता है, वो उतर जाता है। अब गोश्त को टाइम लगता है, गोश्त एकदम नहीं आएगा। अक्सर का लोग क्या करते हैं, वहाँ पर या तो पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं या कोई अल्लाह का जो बंदा है वो स्टिचेस लगा देता है। स्टिचेस लगाने से क्या होगा, वहाँ पे फिर एनारोबिक स्पेस जमा होगी। एनारोबिक स्पेस जमा होने की वजह से जो वाउंड है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बचने के लिए ये किया जा सकता है, अगर ज़ख़म बहुत बड़ा है तो आप छोटी सी जगह पे स्टिच लगा सकते हैं, हवा वहाँ पे पास होती रहे, हवा पास होगी तो वहाँ पे एनारोबिक स्पेस नहीं जमा होगी, आधा सौ स्टिचेस की वजह से हील हो जाएगा बकाया, वो आप उसको अच्छी तरीके से साफ़ करते रहें, उससे हील हो सकता है, लेकिन ज़ख़म ज़ख़म पर डिपेंड करता है। अब जो बोनस पॉइंट है वो यही है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाउंड हो चुका है लेकिन एहतियात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, जो मर्ज़ी कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लें। एहतियात यही है, ई कॉलर इस्तेमाल करना है क्योंकि कैट और जो डॉग हैं वो अपने ज़ख़म को चाटते ज़रूर हैं। इनकी जो ज़ुबान होती है वो काफ़ी खुरदरी होती है, ज़ख़म खुरदरे होने की वजह से ज़ख़म उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपने ई कॉलर इस्तेमाल करना है और दूसरा उसके मूवमेंट को कम करना है। लेकिन अगर नॉर्मल ज़ख़म है मूवमेंट करवाते रहें। तीसरा, आप अगर अग्रेसिव पेट है तो आप स्प्रे इस्तेमाल कर लिया करें, जैसे या सिरिंज वाला मैंने तरीका बताया वो इस्तेमाल कर लिया करें, लेकिन ई कॉलर आपने हमेशा ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।